हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पर मिलती है एक्सक्लूसिवली आपको आपके फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। वेल, आज रात के ये है चाहते के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि नयनतारा एक ऑटो में बैठकर जा रही होगी अपने घर से एग्जीबिशन के लिए, और वो ऑटो ड्राइवर से रिक्वेस्ट करेगी कि क्या आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ और आज मैं अपनी नई शुरुआत में लेट होना नहीं चाहती। नयनतारा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बट एट द सेम टाइम वो नर्वस भी दिखाई जा रही है, क्योंकि उसका जो फ्यूचर मॉनेटरी प्रोस्पेक्टिव है वो सब कुछ इसी एग्जीबिशन के ऊपर डिपेंड करता है। और महिमा की जो फर्स्ट स्टेप है उसके सपनों की तरफ सुपर मॉडल बनने का, उसके लिए भी उसके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है। तभी वो रिमेम्बर करती है कि कैसे उसने सतीश को प्रॉमिस किया था कि वो महिमा का ऐसा ख्याल रखेगी जैसे कि वो उसकी खुद की बच्ची है, और वो कभी भी उसे इनसिक्योर नहीं होने देगी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर कश्वी के साथ। यानी कि वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं करना चाहती और ना ही उनको फील करने देना चाहती है। इधर दिखाया जाएगा कि नयनतारा अंदर जाने के लिए बाउंसर से लड़ाई कर रही होती है और अपने आप को काम डाउन करती है और बप्पा से प्रे करती है कि बस सब कुछ ठीक हो जाए, चाहे जो हो जाए। मीनवाइल दिखाया जाएगा कि जो सम्राट की कार है वो नयनतारा के ऑटो के बाजू में खड़ी हो जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे का एहसास तो फील कर पाएंगे लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। यानी कि हमेशा की तरह हिट एंड मिस यहाँ पर होने वाला है। और इधर सम्राट अपनी कार की विंडो के थ्रू देखेगा बाहर, और एक बच्चा आएगा उसे रिक्वेस्ट करेगा बलून्स खरीदने के लिए, जबकि वो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होंगे। तभी जैसे ही ग्रीन लाइट चलती है तभी बहुत सारा ट्रैफिक आ जाता है और सम्राट नयनतारा को, नयनतारा सम्राट को नहीं देख पाते। उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे जैसे तैसे करके नयनतारा पहुंच जाएगी एग्जीबिशन हॉल में, और जैसे ही वो एंटर करेगी तभी वहां पर इतना ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एज अ गेस्ट सम्राट को बुलाया जाएगा। सम्राट अभी भी एक रॉकस्टार के बतौर आपको नज़र आएंगे, और यहां पर सम्राट के आते ही भीड़ इतनी ज़्यादा दीवानी हो जाएगी कि वो एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगेंगे। यहां पर प्रिशा की भी एंट्री होगी उसी हॉल में, उसी एंट्रेंस से जहां पर सम्राट खड़ा होगा। और तभी यहां पर दिखाया जाएगा कि कैसे नयनतारा का जो दुपट्टा है वो सम्राट के मुँह पर लहराएगा और सम्राट को कुछ अलग सा एहसास होगा। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जब नयनतारा यहाँ पर निकल कर जाती है और वो टर्न भी होती है, तो क्या नयनतारा और सम्राट एक दूसरे को देख लेते हैं या फिर शो में कुछ और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।